यानी 400 रुपए के पंचे लग जाएंगे। 400 पंचे। और असद अपनी आंखों से सुन लिए। जो देख लो चूजे काफी छुपा के रखना पड़ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद शाफ जो है वो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। और जो काम मोहम्मद शाफ ने करना होता है रबिया वहां पहुंच के करती है। चलो भागो बाहर। शोर मचाया हुआ मैंने कुकू के साथ रहना शहाबी पीछे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हमारा अब ये प्रोग्राम है सुबह सुबह ताकि बच्चे जो हैं वो ये इसकी दौड़ है कुकू के पीछे इन्हीं चीज़ों के पीछे। हमारा अब ये प्रोग्राम है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते चीज़ों को पकड़ने में और चीज़ों के साथ खेलने में। वो अपनी तरफ से खेल ही रहे होते हैं लेकिन उनकी जो है वो जान जाती रहेगी, ग्रिप स्ट्रांग होती है ताकि भाग ना जाए। भाई मुबारक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ले जाते हैं फार्म हाउस पे, थोड़े से तेज हो जाएं, जरा भागने दौड़ने लग जाएं तो फिर इनको वापस ले आएंगे क्योंकि बच्चों की पहुंच से दूर रखें इनको। फार्म हाउस पे जहाँ बाकी पेट्स हैं असद साहब के वहाँ पे ये भी रहेंगे और वहीं पे इनका भी दाने पानी का इंतजाम किया जाएगा। जब थोड़े से परवर निकालते हैं तो फिर ले आएंगे ताकि बच्चों की पहुँच से ये दूर रहे। अब हम निकल रहे हैं फार्म हाउस पे और फार्म हाउस पे जाने से पहले बाइक की एक ये ट्यूब जिसको लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा पंचर वगैरह लगवाए थे लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी, ये लेके जानी है मुझे। एक ये ट्यूब, ये मैंने चेंज करवाई थी लास्ट टाइम लेकिन दोनों ही जो है वो एक एक पंचर पे हैं, बिल्कुल नई ट्यूब्स हैं। मेरा ये जहन है इनको लगवाते हैं पक्का वाला पंचर यानी जैसे गाड़ियों के टायर्स को लगता है और इन्हें जो है वो सेव करके रख लिया जाएगा टूर वगैरह के लिए या कहीं भी नेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ट्यूब्स के जो पंचर हैं वो थोड़े खराब है और छोटा पंचर इनके ऊपर टिकता नहीं है। इनको भी पंचर लगवाएंगे टाउन से और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे फार्म हाउस पे। चूजे भी अपने साथ लेके जाने। निकलते हैं आप फार्म हाउस पे। बच्चों का रिएक्शन अभी देखने वाला होगा। अल्लाह हाफिज जा रहे चूजे। अल्लाह हाफिज कर दो चूजों को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो चूजों को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े होंगे ना फिर ले आएंगे। ठीक है चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। आप भी अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज। गांव से अल्हम्दुलिल्लाह हम टाउन पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब ढूंढते हैं कोई दुकान जिसपे पंचर जो है वो पक्के वाले पंचर लग जाए फिर अपने ट्यूब को पंचर लगवाएंगे। शॉप पे आए हैं तो भाई जो है वो मुआयना कर रहे हैं ट्यूब का कि पंचर इससे लग सकता है कि नहीं। क्या सूरत है, लग जाएगा पंचर इंशाल्लाह। कोई अच्छी खबर सुनाना यार, एक हफ्ते में 3 ट्यूब मेरे लग गए। चलो यार लगा दो प्लीज़। सबसे पहले ट्यूब ये ख़राब हुई थी, दूसरी ये और तीसरी अब गली अल्लाह का शुक्र है वो फिलहाल ठीक चल रही है। और ये उतर रहा है पुराना पंचर। दूसरी ट्यूब चेक की है भाई ने तो भाई कह रहे हैं जितने इसमें पंचर है उतने की ट्यूब नहीं आ जाती है। मेरे हिसाब से एक ही था। कितने ट्यूब में पंचर निकले भाई? दो एक निकले हैं। हाँ जी, एक ये बड़ा यानी 400 रुपए के पंचर लग जाएंगे। 600 की ट्यूब है। पंचर लगाने के बाद ये जा रही है चेकिंग। हाँ जी उस्ताद जी की रिपोर्ट है इंशाल्लाह। चलो जी एक ट्यूब की तो बचत हुई हमारी, दूसरी वाली ट्यूब को तो जवाब हो गया ना वो अब किसी काम की नहीं। चूजे भी काफी गर्मी फील कर रहे थे, इन्हें भी नहला धुला के ताज़ा पानी डाला और कुछ दाने पानी, काफी खुश हैं अब। ओके छोटे भाई बहुत शुक्रिया यार। ओके छोटे मिल रहे हैं इंशाल्लाह। निकालते हैं बाइक और चलते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स लेके हम पहुंच गए हैं फार्म हाउस पे। अब ये अबू के हैंडओवर करते हैं, अबू जी अंदर घूम रहे हैं क्योंकि हम तो देर सवेर ही आते हैं, अबू जी जरा टाइम पे आते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आ गए हो? आ गए हैं तो थोड़े लिए तोहफा भी ले आए हैं। क्या है क्या? चलो खा ले।
हार्वेस्टर वाला फिर रहा उधर, उन्होंने गलबात की थी कोई कि नहीं हार्वेस्टर वाले? अच्छा वो सामने घूम रही है मशीन, उसको जाके कहते हैं यार हमारी भी थोड़ी सी गंदम है वो काट दे, हमारा ये वाला काम भी निपटे इंशाल्लाह। हार्वेस्टर मशीन पहुंच गई है तकरीबन साथ वाले खेत में और भाई मुबारक भी आ गए हैं, मुबारक तो काफ़ी सारा सामान उठा के ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सामान को रेसिपी वगैरह बना लगे? मैंने कहा यार आपके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करें, आज आप काम कर रहे हैं। खाने पीने का ये इंतजाम सही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गर्मियों का खास तोहफा, गर्मियों का खास तोहफा, ऐसी बात है। चुक लवांगा मैं भी, काफी वजनी है यार। काम तो हमारा कोई भी नहीं हो रहा, ना इंटरनेट लग रहा है यहाँ पे, ना ही हार्वेस्टर मशीन मिल रही है, लेकिन ये इंजॉयमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जोर शोर से चल रही है। सारा दिन फार्म हाउस पे गुजार दिया, मशीन वाला कोई नहीं आया और इंटरनेट वाले से भी बात हुआ रहा, वो भी कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। हमारे काम इसी तरह पेंडिंग चलते जा रहे हैं, दिन यहीं पे गुजरते जाता है। अब चीज़ें समेटते हैं और निकलते हैं वापस घर को, और इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं। इंटरनेट लगवाने के लिए हम जो है वो तकरीबन डेढ़ हफ्ते से कॉल कर रहे हैं हामिद भाई को। तो हामिद भाई इतनी देरी क्यों आ गया? डिश का मसला था, डिश नहीं मिल रही। अच्छा हाँ जी, चले तो आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगा के आज कोशिश कर रहे हैं मुझे इंशाल्लाह। सारा कूट को बाहर जो है वो खुला हुआ, यहाँ पे चेकिंग जा रही है, इस बीम का कनेक्शन जो है वो बनता है तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं सर्विस। अच्छा अच्छा आप भी आ जाए अपनी निगरानी में इंटरनेट लगवाने के लिए। असल को ये डेढ़ हफ्ता यूँ ही लग रहा था कि शायद हम इसे लारे लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमें भी जो है हम उसमें यही कह रहे थे कि आ रहा हूँ जा रहा हूँ लेट हो गया ये वो। खैर वो उनका जो इशू था वो चल गया, अब देखते हैं कब तक कनेक्शन होता है हमारा और क्या सर्विस आती है। छत से वायर नीचे आ गई है और यहाँ पे फिट करते हैं अब। वायर कनेक्ट करनी थी इस डिवाइस में, मैं इस डिवाइस में कनेक्ट कर रहा था, हामिद भाई ने भी आगे नीचे चेक किया, शुक्रिया। एक इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, खैर अब जो है वो डिवाइस चल पड़ी है और अब ये सर्विस भी देगी। माशाल्लाह इस कबूतर के पर देखे यार, ये जो है ना पीछे इसका पूछल और पर वो देखे इसके स्टाइल पीछे से बिल्कुल वो पुराने कबूतर तो है। ट्राई कर चुके हैं हामिद भाई और सर्विस बनाते हुए, हम भी क्या बना पीछे वाली उसने सर्विस सही नहीं दी। नहीं, नहीं। तो अब क्या हाल है इसका? ये न्यू डिश लगेगी तो ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, यानी आज फिर इंटरनेट नहीं लगेगा और असद ने अपनी आंखों से सुन लिया, अब तसल्ली हो गई। भाई बहुत शुक्रिया यार आपकी तशरीफ आवरी का, और फिर डिश का अरेंजमेंट करके तो जल्दी जो है ना मैं गुआड बना के दी, ठीक है इंशाल्लाह। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आप जरूर शेयर कीजिएगा, हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपने दोस्त का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।